A new CBI director has been appointed. Former Maharashtra DGP Subodh Kumar Jaiswal will be taking over as the new CBI chief. He was the senior most among the three shortlisted candidates. रिसेंटली हुई एक हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि फॉर्मर महाराष्ट्र डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया जाएगा। इस कमेटी में बैठने वाले लोगों में शामिल थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना और कांग्रेस लोकसभा फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी। सीबीआई में उनका टेन्योर फिक्स रहेगा 2 साल के लिए। सीबीआई डायरेक्टर की पोस्ट डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला के रिटायरमेंट के बाद फरवरी 4 से वैकेंट थी और तब से इस पोस्ट का चार्ज संभाल रहे थे सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा, जो कि 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। पर आखिर सुबोध कुमार जायसवाल हैं कौन और उनमें ऐसी क्या खास बात है कि उनको इस पोस्ट के लिए चुना गया है, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबोध कुमार जायसवाल का जन्म 1962 में धनबाद में हुआ और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री है। वो 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर से आईपीएस ऑफिसर हैं और सीबीआई डायरेक्टर की पोस्ट से पहले वो सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पे अपॉइंटेड थे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। CISF के हेड बनने से पहले सुबोध कुमार जायसवाल को 2018 में मुंबई पुलिस के कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया। मुंबई पुलिस के कमिश्नर अपॉइंट होने से पहले जायसवाल महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS में थे, जहां वो उसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के चीफ थे जिसने 2003 में हुए 20,000 करोड़ के फेक स्टैम्प पेपर स्कैम, जिसको हम तेलगी स्कैम के नाम से भी जानते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी और स्कैम के दौरान एक्यूज्ड और कुछ टॉप ऑफिशियल के बीच के कनेक्शन को खोद निकालने में एक अहम भूमिका निभाई थी। ATS में अपनी डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल की ड्यूटी के दौरान उन्होंने 2006 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस की इन्वेस्टिगेशन की और उसी दौरान महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के नक्सलाइट इलाकों में सर्व करते हुए एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट संभाली और इन सब के बाद 2009 में उनको प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था। मुंबई पुलिस में सर्व करने के बाद सुबोध कुमार जायसवाल को महाराष्ट्र स्टेट पुलिस का चार्ज मिला था, जहां उन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया था और उनका टेन्योर 2022 तक चलना था, पर उन्होंने उससे पहले ही सेंट्रल डिप्यूटेशन लिया और CISF के चीफ अपॉइंट हुए। उनके करियर की एक सबसे खास बात यह है कि उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब रॉ में भी 9 साल तक सर्व किया है, जिसमें वो 3 साल रॉ के एडिशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। रॉ इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इतने वैरायटी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस और केसेस और इतने सारे डिपार्टमेंट में उनकी सर्विंग ही शायद इस बात का जवाब देती है कि उनका नाम सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट लेटर पर क्यों है। तो दोस्तों ये था एंड इस वीडियो का। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।